तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स फाइनली एसएससी जीडी का न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और मैं इस वीडियो में कंप्लीट इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स बताऊंगा पढ़ के आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स एग्जाम डेट भी जो कि ब्रेकिंग न्यूज है की तरफ से ले सकते हैं आप लोग, एग्जाम डेट भी आउट कर दिया गया है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तारीख कितने तारीख से एग्जाम डेट होने वाले हैं आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, कहाँ पर जारी किया गया यही नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा। पीआईबी जो कि है इंडिया की तरफ से, पीआईबी का ट्विटर हैंडल वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को, पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आप लोगों को और नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगा। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, होम मिनिस्ट्री का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर भी मिल जाएगा नोटिस आप लोगों को। तो जाके आप लोग देख सकते हैं, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इसे का नेतृत्व में उनके पब्लिश कर दिया गया है। तो देखिए मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ आप लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देखिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय में सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, जो कि जीडी आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित कराने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए कांस्टेबल के लिए जीडी की जो है परीक्षा आयोजन कराने की मंजूरी दे दी गई है। तो देख सकते हैं आप लोग अब मंजूरी दे दी गई है, आप कब से यहाँ पर होने वाला है एग्जाम। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐतिहासिक निर्णय गृह मंत्रालय एवं शारीरिक गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्री जो कि श्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। यहाँ पर प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी जो कि इसके मतलब कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में जो कि रीजनल लैंग्वेज अलग अलग स्टेट के वहाँ के भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और उसके बाद बोला गया है इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवारों के मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे जिससे उसके चयन की संभावनाएं बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है जो कि एसएससी जो आयोजित कराती है। कई सारे परीक्षा जैसे सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, फेज फेज का जो होते हैं फेज 1, 2, 11, 8, 9 जो भी होते हैं वो सब उसमें भी एसएससी कराती है जीडी जो वही बोला है एसएससी के प्रमुख परीक्षाओं में से एक है जिसमें देश भर के लाखों युवा उम्मीदवार भाग लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जिस देश भर के लागू उम्मीदवार भाग लेते हैं उसके बाद से आप लोग मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे लिख दिया गया कब से परीक्षा आपका एग्जाम डेट आयोजन होगा। तो यहाँ पे 1 जनवरी जो कि 1 जनवरी 2024 से होगा यानी कि नए साल से। और ये देखिए क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो कि अनाउंस किया गया था रोजगार मेले के तहत 10 लाख वैकेंसी हम अगले एक साल में देंगे तो ये उसी का एक ही पार्ट है। और ये कि जो कि चुनाव से पहले पहले इस वैकेंसी को कम्प्लीट भी करा दिया जाएगा। तो आप लोग अभी से ही अपना रनिंग स्टार्ट कीजिए, एग्जाम की स्टार्ट कीजिए और अभी से आप लोगों के पास टोटल 7 महीने लगभग मान के चलिए कि है आप लोगों ये अप्रैल चल रहा है यानी कि हाँ टोटल 7 मंथ मान के चलिए आप लोग 7 मंथ आप लोगों के पास है एग्ज़ाम के लिए। तो इसी पीरियड में आप लोग कुछ लोगों का अभी एसएससी जीडी में एग्जाम सिलेक्शन भी हो गया होगा जो अभी चलने वाला है रनिंग फिजिकल तो इसका रनिंग कीजिए, जिनका नहीं होगा इसमें अगर नेक्स्ट वाले में ट्राई कर लीजिएगा बट रनिंग कंटिन्यू कर दीजिए आप लोग क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग होती है इसमें तो आप लोग रनिंग भी कंटिन्यू कर दीजिएगा अभी से एग्ज़ाम में लग जाइए क्योंकि 1 जनवरी 2024 से परीक्षा का डेट आयोजन कर दिया गया। अब 1 जनवरी से परीक्षा आयोजन होगा तो इसके 1-2 मंथ पहले नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और 1 महीने तो फॉर्म ऑनलाइन ही चलता है। तो मतलब कि यही इस जो कि ईयर जो चल रहा है तो 9 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसका मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन होना जाना चाहिए नहीं तो इसे कुछ अभी कुछ महीने पहले भी आ जाएगा हमको लग रहा है जहाँ तक क्योंकि तो फास्ट प्रोसेस होगा पूरा रोजगार मेला के तहत 10 लाख जो वैकेंसी या प्रधानमंत्री मोदी जी अनाउंस किए थे उनमें भी दिखाना है। और जब तक ये एसएससी जीडी और जाके या फिर जो कि बाकी अर्धसैनिक बल है उसमें ये उसमें और रेलवे जब तक ये वैकेंसी नहीं देंगे तब तक ये 10 लाख पूरा होने वाले नहीं है। तो कंफर्म है कि रेलवे में वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी भाषाओं में एग्ज़ाम हो गए यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को देख सकते हैं।
और मैं ट्विटर हैंडल भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर हैंडल पर PIB जो गृह मंत्रालय पोस्ट किया है उस पर। देखिए यहाँ पर भी दिया गया 1 जनवरी 2024 से आयोजन होगा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में। देखिए यहाँ पर इस निर्णय के बाद उम्मीदवारों के राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद सरकार स्थानीय युवाओं को मातृभाषा में परीक्षा देने के अवसर मतलब कि जो सारा नोटिफिकेशन दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन पर गृह मंत्रालय क्षेत्रीय भाषाओं में और प्रोत्साहन करने का कटिबद्ध है। देख सकते हैं आप लोग, और मैं आप लोगों का ट्वीट हैंडल दिखा दे रहा हूँ PIB की तरफ से जो ट्वीट किया गया है। देखिए फिर ट्विटर हैंडल पर गृह मंत्रालय का जो कि ट्विटर हैंडल होता है प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे ट्वीट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे गृह मंत्रालय का जो कि ट्वीट किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह जो है अभी प्रवर्तन की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, यहाँ नोटिफिकेशन है एक इंग्लिश में एक हिंदी में। यहाँ पे देखिए द कॉन्स्टेबल GD उसके बाद से CAPF एग्जाम इन 13 लैंग्वेजेस ऑल्सो, ओके यहाँ पे दिया गया ए इन ए हिस्टोरिक डिसीजन मिनिस्ट्री वाला जो कि होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड टू कंडक्ट द कॉन्स्टेबल GD CAPF एग्जाम इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ट्विटर हैंडल पर भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया। तो फाइनली आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है नहीं सिलेक्शन हुआ है जिनका भी डाउट है वो इसमें अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं आप लोग। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें वैकेंसी कम आएगी, इसमें भी वैकेंसी ज़्यादा आएगी, तो आप लोग तैयारी कीजिए और अपना अच्छे से रनिंग वनिंग कम्प्लीट कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर हर एक PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन आता है रेलवे से रिलेटेड या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों को वहाँ पर नोटिफिकेशन दे देता हूँ, या फिर न्यू वैकेंसीज। तो ट्विटर हैंडल को भी जो कि मेरा ट्विटर टेलीग्राम अकाउंट है, तो उसमें भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।